उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई द्वारा यूनिट काउंसलिंग कमेटी का कन्वेंशन दुर्गाबाड़ी प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसके संबंध में एसोसिएशन के जिला इकाई के अध्यक्ष संजय डे ने कहा कि हमारी लड़ाई मैनेजमेंट के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ है और नए श्रम कानून परिवर्तन में है। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को होने वाली किसान मोर्चा के भारत बंद का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन समर्थन करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय डे ने कहा को लेकर के जो मेरे जाते इसमें बहुत से साथी ऐसे बैठे होंगे, इंडियन ड्रग बैंकली जैगर हेल्थकेयर एंड जैगर वायर, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका हमारा उत्तर प्रदेश लेवल पर काउंसिल है। ऑल इंडिया काउंसिल का जो फोरम होने के लिए, ऑल इंडिया रिकॉग्निशन करने के लिए किसी भी कंपनी में या तो 3 जोन या 8 स्टेट या 8 स्टेट और 3 जोन में बटे हों, ये पहली प्रायोरिटी है। इन सब कंपनियों में जो हम काउंसिल में जो काउंसिल कमेटी यहाँ बैठी हुई है, इसका काम क्या है? इसका काम तो यही है ना कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको काउंसिल फार्म में लेकर के आना, अपने काउंसिल को उसको मजबूत करना और जो भी दूसरी कंपनियाँ हैं उसमें भी उसको आइडेंटिफाई करना। मान लिया हम स्टेट लेवल पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, हम स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करके हमने लखनऊ से मान के लिस्ट जारी किया, जहाँ के 15 कंपनियों की लिस्ट है और अक्रॉस कंट्री या पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ कंपनियों की लिस्ट बन गई, उनकी कोशिश फार्म हो गई और कुछ अगर जनरल सेक्रेटरी हमारे उसको FMRI में भेजते हैं तो FMRI भी उसी बेस पर भेजती है और स्टेट में मान लीजिए तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में, अगर मिलाकर के 8 स्टेट में हम वो काउंसिल बना ले जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑल इंडिया स्ट्रक्चर उनका हम बनाने में कामयाब होंगे और हम उसी के बाद हम फिर बार्गेनिंग फोरम और निगोशिएटिंग कमेटी की बात करने लगते हैं। इसमें जो फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल कमेटी, जब ऑल इंडिया काउंसिल कमेटी का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे ना कि 8 स्टेट में या 3 जोन में, कम से कम 8 स्टेट या 3 जोन में हमारा अगर काउंसिल फार्म हो गया तो फिर ऑल इंडिया या SEC में फिर हम क्या करेंगे कि ऑल इंडिया कन्वेनर, एक ऑल इंडिया कन्वेनर का हम चुनाव करेंगे, उसी में एक हम ज्वाइंट ऑल इंडिया कन्वेनर का चुनाव करेंगे और 4 जोनल कन्वेनर का हम चुनाव करेंगे और उसी के साथ हम 4 ज्वाइंट जोनल कन्वेनर का चुनाव करेंगे जिसका टर्म हम लोगों ने दिया AICC ऑल इंडिया काउंसिल कमेटी। मेरा नाम संजय कुमार डे है, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इकाई गोरखपुर इकाई का अध्यक्ष भी हूँ। आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोरखपुर इकाई के द्वारा, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गोरखपुर इकाई के द्वारा, ये एक काउंसिल मूवमेंट जो हमारी अलग अलग असंगठित क्षेत्र के जो कंपनियां हैं उस कंपनियों के कर्मचारियों का एकत्रित होके अपने मालिकों से किस प्रकार की अपनी हक के लड़ाई जो संविधान के थ्रू, संविधान के माध्यम से जो लिखा है उस लड़ाई के तहत हम मालिकों से अपनी बार्गेनिंग के तहत हम जितना काम करेंगे उसका दाम हम दोनों बैठ के, मालिक और कर्मचारी बैठ के तय करेंगे, इसके लिए आज ये निर्धारित मीटिंग किया गया है। ये आज के दिन में जो ज़्यादातर कंपनियां को मालिक जो है वो सामंतवादी सोच में फंसे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हम मालिक है और ये नौकर है। शायद ये स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद ये स्थितियाँ बदल चुकी है, अब मालिक और नौकर की स्थिति नहीं रह गया है, अब स्थिति है कि हम मालिक को अगर अपनी पैसा रेवेन्यू डेवलप करके अगर देते हैं तो हमारी हक बनता है कि हम अपनी परिवार को सम्मान के साथ समाज में किस प्रकार से जिए, उसके मुझे कितनी अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए हमारी आज ये सभा हमारी संगठन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है।